हरियाणा राजभवन में 59वें हरियाणा दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वसंता दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी शामिल हुए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्रीगणों ने भी दीप जलाकर समारोह का आगाज किया, जिसके बाद राष्ट्रगान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ समारोह की शानदार शुरुआत हुई। लोक कलाकारों और कॉलेज से आए छात्रों ने हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की लोक कलाओं को सुंदर नृत्य से प्रस्तुत किया। हरियाणवी डांस के अलावा कलाकारों ने नाटी, कृष्ण रासलीला और राजस्थान का कालबेलिया नृत्य भी प्रस्तुत किया। अम्मा मेरी ये माए उड़वो दूड़ बजना नगाड़ा दिए लाडलिए साथ ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कलाकारों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की। वहीं रंगारंग कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, ऊर्जा मंत्री अनिल विज, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण पवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के अलावा कई मंत्रियों ने शिरकत की। जैसा कि आप सभी को पता है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार दीपावली और हरियाणा दिवस एक साथ आ गए, तो इस खुशी में हमने हरियाणा दिवस 4 नवंबर को मनता हुआ देखा यहाँ राजभवन में। हम इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और अभी अभी यहाँ पर नृत्य कार्यक्रम हमें देखने को मिला, हिमाचली नाटी हमें देखने को मिली, हरियाणवी डांस देखने को मिला, राजस्थानी और रास भी देखने को मिला। यहाँ पे हरियाणा के राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय मौजूद थे, उनके साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद थे और कई मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बेहद सुंदर डेकोरेशन हुआ है और खान पान का भी आयोजन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ पलक जी।